अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यूके की वीज़ा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री से। अगर आप इटली में हैं, आप स्वीडन में हैं, आप स्पेन में हैं और आप चाहते हैं कि यूके की वीज़ा अप्लाई करनी है और आप चाहते हैं कि 90% चांस मिल जाए वीज़ा आपको, तो वो ट्रिक हम बताएंगे जो कि 666। आप हमारी 666 की ट्रिक को अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो वीज़ा है वो 90% चांस है कि आपको मिलेगी। मोर देन 90% चांस है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा अगर आप ये 666 वाली जो ट्रिक है ये अप्लाई करेंगे। तो ये कौन सी ट्रिक है जो हम 666 जो नाम दिया है हमने इस ट्रिक को 666। तो ये 666 क्या है एक्चुअल में? 666 का मतलब ये है कि छः आपको जो है हम ट्रिक बताएंगे जिस छः ट्रिक को आप अप्लाई करके आप जो है वो वीज़ा आपका 90% चांस के साथ अप्लाई कर सकती हैं। तो कौन सी और ट्रिक्स हैं, हम आ जाते हैं उन ट्रिक्स पे। तो सबसे पहले देखिए हमने छः रिक्वायरमेंट या आइडेंटिफाई की हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको हमने 666 का नाम दिया है, ठीक है। तो पहली है कि आपका पास जो आपका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो सिर्फ पहली मरतबा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूके का वीज़ा, तो आप 6 महीने का वीज़ा अप्लाई करना है जो कि स्टैंडर्ड वीज़ा होता है। आपको 6 महीने का स्टैंडर्ड वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है, 2 साल का या 5 साल का नहीं करना अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पहला जो है वो 6 है। उसके बाद दूसरा 6 जो हम बात करने वाले हैं वो आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 महीने वैलिड है। तो ये दूसरा छक्का हमारा कि आपका पासपोर्ट जो 6 मंथ एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। अब तीसरा थर्ड 6 क्या है? सबमिटिंग बैंक स्टेटमेंट फॉर पास 6 मंथ। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी अटैच करनी है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। जो आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसमें आपको 6 मंथ की। तो ये हमारा जो है थर्ड 6। अब बात करते हैं फोर्थ 6 की जो कि है रेजिडेंट परमिट। आपका जो रेजिडेंट परमिट है वो भी 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो परमिट है रेजिडेंट परमिट अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड है, एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड है आपका लाइक पासपोर्ट, तो आपका चांस बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये 4-6 हमारा यहाँ लग चुका है। अब बात करते हैं फिफ्थ और 6-6 की। तो पांचवा जो छक्का है वो बात करता है आपकी जो बैंक के अंदर जो फंड है, आपके जो बैंक के अंदर फंड है। देखिए 6 महीने की स्टेटमेंट के बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका बैलेंस होना चाहिए 3,000 से 6,000। 6,000 यूरो अगर का बैलेंस है आपकी बैंक के अंदर तो आपका ये जो पांचवा छक्का लगेगा ये आपको 90% तक पहुंचा देगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो पे स्लिप कि आपका ये जो बैलेंस आया है जो ये आपने पांचवा छक्का लगाया है ये कहाँ से आया है आपका पांचवा छक्का, आपको पांचवा छक्के को लगाने के लिए छठा छक्का बताना पड़ेगा कि ये पांचवा छक्का किस तरीके से किस एंगल से आपने लगाया है पांचवा छक्का, उसके लिए आपको ये छठा छक्का बताना पड़ेगा जो कि 6-6 कहलाता है। 6-6 का क्या मतलब है कि आपकी जो सैलरी स्लिप्स, आप अगर आप जॉब कर रही हैं तो उस जॉब की स्लिप्स आ जाएंगी। लाजमी बात है जॉब की स्लिप्स के साथ वो जॉब का कॉन्टैक्ट भी जो है वो दे देंगी। तो ये जो चीज़ें हमने बताई हैं आपकी सैलरी स्लिप के साथ आपको जो है वो जॉब का कॉन्टैक्ट भी देना है आपका, और आपका जो है वो वीज़ा अप्लाई करना है 6 महीने का, पासपोर्ट 6 महीने का जो वैलिड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी देनी है आपको 6 महीने की, रेजिडेंट परमिट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, और जो फंड आपका 6,000 यूरो होना चाहिए बैंक के अंदर, ओके। और जो है वो 6 महीने की बैंक आपकी जो सैलरी स्लिप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये अगर आप चीज़ें दे देंगे ये 6 छक्के जो हमने बताए हैं अगर ये करते हैं तो आपका जो यूके का वीज़ा है वो 90% चांस है कि आपका लग जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आई होप कि ये 666 वाली जो आपको जो ट्रिक बताई है कि 666 यूके वीज़ा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत कारम वीडियो बनाई है हमने, तो इसको अप्लाई करें, इस 666 को फॉलो करें और आप यूके का वीज़ा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई और मज़ीद कोई क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट कर रिप्लाई दे देंगे अगर कोई आपको मज़ीद कोई क्यूरी है यूके के वीज़ा के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।